हमारी बहुत प्यारी सिस्टर अमारा का चैनल, ये बहुत प्यारी वीडियोस बनाती है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सबसे प्यारी इसकी बेटी है, इस पे वीडियोस देखें इसकी। ये बड़ी प्यारी मिठो सी है ना, हर वक्त इधर उधर अपने माल डंगर लेके फिरती रहती है। किधर गए इसके माल डंगर, ये देखें। पता नहीं ये कौन सा पांडा है, कौन सा एनिमल है, ये भी कुछ समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल इसको बड़े पसंद नहीं है। देखे खाना खाती है मैडम जी। अब आप बताएं, चाय शेर पियेंगी आप? जब मेरे घर आई थी मेरे से पूछा था, सॉरी क्या मैंने पूछा था? आपने पूछा था ना, और मैंने कहा था जरूर पीऊंगी। आप प्लीज कह देंगे ना बन, नहीं मैं नहीं पीती चाय, कह दे खैर कुछ मैं नहीं पीती चाय, नहीं पीती ना घर चाय पी लो, अच्छी होती है सेहत के लिए। और हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, नाक चढ़ा रही है। मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैंने कहा है आपने माल डंगर समेटो ते इत्थे नेड़े रखो, ऐ किसे नु टक्कर टुक्कर मार जाने तुहाडे माल डंगर। हां जी जी जी, फरमाइए फरमाइए, आओ कहना है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। ये आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, हम लोग गए हुए थे रिदा की तरफ, मैं और मेरी बेटी। काफ़ी टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा टाइम था, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे आपने देखा भी है उनकी वीडियोज़ में, वो पाकिस्तान जा रही हैं, रिज़ाइन दे रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक तरह से हार्ट ब्रेकिंग ही है, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब होना, फिर इतनी ही स्ट्रगल के बाद जब जॉब मिलती है, सेटल होते हैं, और फिर इस तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, इन लॉज की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, घर पहले आता है, डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं। एनीवेज अल्लाह पाक उनको हिम्मत ताकत दे, बहुत अच्छी बंदी है। सिर्फ एक 8 मिनट या 10 मिनट के व्लॉग में किसी को देखना, और 8 मिनट में अगर आप लोग ये देख रहे हो कि वो बंदी कितनी परेशान है, उसके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है, और फिर किसी से मिलके ये सब कुछ फेस टू फेस सुनना, इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफ़िकल्ट। वो हिम्मत है इस बंदी की, रिदा की, वो जिस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, और फिर भी हंस रही है, बोल रही है, अच्छी वीडियोज़ बना रही है, आप सबको इंटरटेन भी कर रही है, हंसाती भी है, अपनी सिर्फ 10% प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करती है। इट्स हैट्स ऑफ टू द गर्ल यार, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इतनी एफर्ट्स करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद अगर लाइफ में किसी मुकाम पे पहुंच रहे हो, लेकिन फिर ये तो वही है ना कि किसी को बहुत ऊपर खड़ा करके उसके पाँव के नीचे से सीढ़ी खींच लेने वाला हिसाब है, ये तो वो हाल है ना। ऐसे अगर कोई आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए किसी लड़के को, अगर वो किसी के अपनी बीवी के एक्सपेंसेस ही नहीं उठा सकता, तो फिर तो आपको शादी ही क्यों कर रहे हो? आपको अगर अपने घर वालों को ही सपोर्ट करना है तो आप शादी ही नहीं करो, आप घर वालों को सपोर्ट करते रहो, कोई आपको रोक थोड़ी ना रहे। अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं और उसके बाद फिर खर्चे भी नहीं उठा सकते हैं, फिर दूसरे की भी लाइफ ख़राब करते हैं, बददुआएं भी लेते हैं दूसरे की। जाहिर है इस इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है ना कि दिल से दुआ निकले, लेकिन उसका हस्बैंड है, वो इज्जत भी करती है, वो साथ भी है, स्ट्रगल भी कर रही है, सपोर्ट भी करती है, अच्छी बात है। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे और हदायत भी दे, यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह पाक हदायत दे, आसानियाँ करें। अब कितना उसके लिए मुश्किल टाइम है कि वो इतना हार्डवर्क करने के बाद उसको जॉब मिली, और अच्छी जॉब मिली। दुबई में टीचिंग जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है, फिर सैलरी भी ज़्यादा है, और वो सारा दिन फारिग नहीं होती है, उसके साथ आप पूरा दिन स्पेंड करो ना, तो उसका पूरा एक टाइम शेड्यूल है, इतने टाइम से इतने टाइम तक उसने ये करना है, इससे ज़्यादा टाइम वो उस काम में लगा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका फिर अगला काम पेंडिंग हो जाएगा, स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, घर का काम करना,
खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं खुद जॉब करती थी तो मुझे पता है जॉब के साथ साथ घर को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखना पड़ता है नहीं, क्योंकि लाइफ है एंड लाइफ मस्ट गोज ऑन, कोई और ऑप्शन नहीं होता। बट अब अगर वो जा रही है, उसने एक डिसीजन लिया है, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करें और हदायत दे कि वो वापस आ सके। जिन जिन लोगों की वजह से भी वो जा रही है और जो जो भी मुश्किलें उसकी लाइफ में है, अल्लाह पाक वो सारी आसान करे। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद और इतनी ज़्यादा चीज़ें सुनने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स उसकी देखने के बाद, उससे मिलने के बाद दिल थोड़ा सा उदास था, घर जाने को दिल नहीं किया। तो हम लोग ऐसी बाहर ये मार्केट में आ गए, यहाँ पे सर्दियों का स्टफ़ देखने लग गए थे। ये जो शारजा में रोला में ज़ुबैर प्लाजा, यहाँ पे सर्दियों का स्टफ़ ये सारा वूल का, और थोड़ा सा ही सर्दियों की कलेक्शन है, अगर किसी को लेनी हो तो वो जाके देख सकता है, ये सारे कलर्स हैं, सब कुछ है। बाकी गर्मियों का स्टॉक अभी वो निकाल रहे हैं, तो जिसको भी चाहिए वो जाके देख ले। आज की वीडियो बस यही है, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।